तो यार ये है 100 टन, आप देख सकते हैं हॉल पैक 100 टन, हॉल पैक डंपर इसको बोलते हैं, 100 टन भी बोल सकते हैं। अब आपको दिखा रहे हैं कि इसके कैबिन में ऊपर चलेंगे और दिखाएंगे क्या क्या फंक्शन है और कैसे चलता है। और हाँ, सबसे पहले कि इसको चेक कैसे करते हैं, पहले आएंगे तो गाड़ी में, तो ये देखिए सबसे पहले आएंगे तो इसका टायर वायर है जो पूरा वॉक राउंड करेंगे, चारों तरफ घूम के देखेंगे टायर वायर में कोई कट वट तो नहीं लगा है। उसके बाद देखेंगे नीचे से देखेंगे झाँक झुक के कि कोई लीकेज तो नहीं है ऑयल ऑयल, ऐसा नीचे देखेंगे, ऑयल ऑयल लीकेज होगा तो गैरेज में इंफॉर्म करेंगे। ये है हाइड्रोलिक बॉक्स और उस साइड में सेम इसी तरह से है डीजल फ्यूल टंकी। और हाँ, इसका नट वट देख लेंगे ढील ढाल तो नहीं है। उसके बाद यही सब देखेंगे, राउंड करेंगे, टायर वायर में कट होगा तो गैरेज में इंफॉर्म करेंगे। और उससे पहले सबसे पहले कि नीचे देखेंगे कोई लीकेज वीकेज होगा तो गैरेज में इंफॉर्म करेंगे। चलिए ऊपर चलते हैं और देखते हैं क्या क्या फंक्शन है, कैसे कैसे चलाते हैं इसको। तो चलिए ऊपर हम जा रहे हैं और दिखाते हैं आपको फंक्शन। और ये मैं ऊपर आ चुका हूँ, ये देखिए ऊपर का ये दृश्य है, इस तरह से ऊपर में दिखेगा। और चलिए कैबिन में चलते हैं और दिखाते हैं आपको क्या क्या फंक्शन है। तो यार ये केबिन में हम आ चुके हैं, ये देखिए इस तरह से 100 टन का हॉल पैक का केबिन है। और ये देखिए सबसे जरूरी काम, ये इमरजेंसी स्टेयरिंग है और ये पार्किंग ब्रेक है और ये व्हील लॉक ब्रेक है। और ये देखिए इसका इस तरह से गियर है, ऑटो गियर है जो कि एक रिवर्स और एक न्यूट्रल, ये डी है, ये 1 से 5 तक। 1 से 5 तक का मतलब ये है कि सॉरी एक नहीं है, एल है, उसके बाद 3 4 5 है, मतलब 3 4 5, उसके बाद डी एन आर, उसका मतलब है कि रिवर्स में रिवर्स ही जाएगा और न्यूट्रल में न्यूट्रल हो जाएगा। और डी में करेंगे तो 1 से 6 तक का वो लेगा, 5 तक जिसमें यहाँ पे दिख रहा है आप देखिए। और इसको डी में छोड़ेंगे से 1 से 6 तक ऑटो अपना गियर लेगा, और उसके अलावा अगर 5 में छोड़ेंगे तो 1 से 5, 4 में छोड़ेंगे तो 1 से 4 तक लेगा, और 3 में छोड़ेंगे तो 1 से 3, इस तरह से ये काम करता है ऑटो। और सबसे जरूरी काम कि इसमें आप देख सकते हैं ये क्लच नहीं होता है, ये ऑटो है, ये ब्रेक है और ये एक्सीलेटर है। जितना ही एक्सीलेटर लीजिएगा उतना ही गाड़ी आगे बढ़ेगा। और कंट्रोल करने के लिए ये ब्रेक है, ये सर्विस ब्रेक है, इसमें 3 4 ब्रेक होते हैं, टोटल आपको बता दें कि 4 ब्रेक हैं इसमें। ये सर्विस ब्रेक हो गया मेन यूज करने के लिए, बारिश वारिश में गाड़ी फिसलता है तो ये रिटार्टर हो गया, इस तरह से इसको यूज करते हैं, स्टेयरिंग के पास रहेगा। और दूसरा ये देखिए, ये जो है इमरजेंसी ब्रेक, पार्किंग ब्रेक इसको बोलते हैं, ये व्हील लॉक ब्रेक है। बाकी और यही 4 ब्रेक है। ये ब्रेक का यूज है डंप में, अगर आप लोड ले रहे हैं, अनलोड करते समय इसको लगाएंगे, उसके बाद छोड़ाएंगे, और लोड लेते समय इसको लगाएंगे, उसके बाद छोड़ा चलेंगे, यही इसका काम है। बाकी सर्विस ब्रेक का तो आप एनी टाइम थोड़ा थोड़ा यूज कर सकते हैं, और रिटार्टर वही बारिश के मौसम में कंट्रोल करने के लिए। बाकी ये देखिए अप डाउन लाइट है, लाइट का ये है कम बेसी करने के लिए। और उसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं है, ये डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड में ही आपका ये दिखाएगा, ये डीजल का टंकी का, ट्रांसमिशन का, इंजन स्टॉप का, फ्यूल लेवल का। और बाकी यही है, ये फ्यूल वाला हो गया यहाँ से यहाँ तक पूरा। और इस साइड है, इसको चालू करेंगे तो 2 मिनट तक इसका प्रेशर बनाएंगे, एयर प्रेशर, यहाँ देखिए यहाँ पे दिखाएगा एयर का लेवल, नीला में जब आ जाएगा तभी गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे मूव करेंगे, नहीं तो ब्रेक नहीं लगेगा। और उसके बाद ये कूलेंट का है और ये ट्रांसमिशन का है, ट्रांसमिशन ऑयल टेम्परेचर, कूलेंट टेम्परेचर, और ये स्टॉप का है ब्रेक। उसके बाद आपको दिखा दें कि इसमें फंक्शन क्या क्या है, ये क्या सेंस करता है आपको, नाइट में नींद उदल जाएगा तो ये आपका साउंड करेगा, आप आँखों को सेंस करता है, जैसे मैं अपने पिछले वीडियो में बताया था। उसके बाद कुछ नहीं है, ये स्टेयरिंग बहुत इसका स्मूथ है, एक उंगली से आप ऐसे मोड़ सकते हैं। बाकी और कुछ नहीं है दोस्तों इसमें, सुनने में बहुत बड़ा है, हॉल पैक इतना बड़ा गाड़ी है कैसे चलाते होंगे, लेकिन ज़्यादा कुछ नॉर्मल है, बस सिंपल सा है।
ये पे लोड मीटर है, यहाँ पे लोड दिखाएगा कितना लोड हुआ गाड़ी आपका। बाकी ये वाकी है, इस साइड देखिए वाकी है, यहाँ पे इस तरह से इसको यूज करेंगे। कहाँ जाना है, किस मशीन में जाना है, कोई इमरजेंसी में यूज कर सकते हैं। और हॉर्स मीटर सबसे पहले गाड़ी में चेकेंगे, तो हॉर्स मीटर इसका लिखेंगे रीडिंग, स्टार्टिंग में लिखेंगे और कितना चला उसके बाद क्लोज करेंगे। ये हो गया। और बाकी कैमरा, ये कैमरा हो गया, पीछे का आपका पूरा दिखाएगा, और अगर सामने लगा है तो सामने का भी इसमें ऐसे एरो टाइप का दिखाएगा, उसके बाद इस साइड से दिखाएगा दोनों तरफ का। बाकी और कुछ नहीं है, ये कैबिन लाइट हो गया, और हाँ यही चीज है और कुछ नहीं है। ये देख सकते हैं, मैं दूर से दिखा रहा हूँ, ये देखिए इस तरह से है। कुछ खास नहीं है, सुनने में बहुत ज्यादा है डिफिकल्ट, लेकिन बहुत ही नॉर्मल सा है, इसको कोई भी चला सकता है। इसको ड्राइविंग अच्छे से नहीं आती वो भी चला सकता है, और किसी भी माइंस में आप जॉब करते हैं इसको चलाते हैं तो पैसा इसमें अच्छा खासा है। 30 से 35, 35 से 50, 50 से 70 के 1 लाख तक सैलरी मिलता है इसमें। तो ये देखिए बस यही है इसमें। कल सबसे नॉर्मल तो ये चीज है कि ट्रांसमिशन है, ऑटो ट्रांसमिशन, क्लच नहीं है। आप जितना एक्सीलरेटर लीजिएगा उतना चलेगा, उसके बाद ब्रेक से आप कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी साइड में वो देखिए मिरर लगे हैं, दिख रहे हैं उस साइड, वो लगा है मिरर, और इस साइड लगा है मिरर, और ये देखिए कितना सारा लगा है, ब्लाइंड स्पॉट मिरर भी उसको बोलते हैं, सामने वाला जो है। तो इस तरह से हम मशीन में लगाएंगे और यूज कर सकते हैं। डंपर को चलाने में बहुत ही आसानी होती है इसको, इस सबसे सेफ्टी। अगर कभी चखिएगा तो इसी तरह से आपको मिलेगा देखने को। और हाँ, सबसे नॉर्मल चीज कि जितना इसके बारे में हमको बताया गया था कि इतना डिफिकल्ट है, उतना डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही इजीली इसको हम ऑपरेटर ही कर सकते हैं, ऑपरेटर बोलते हैं इसको जो इसको ड्राइव करता है, तो ऑपरेटिंग कर सकते हैं बहुत ही नॉर्मल से। तो चलिए यार, अभी तक के लिए इतना ही। 100 टन जैसे मैं बताया था, काफी दिन से वीडियो मैंने नहीं बना पाया था, आज मैं आपको बता दूं कि यही चीज होता है सभी सब। और हाँ, ये प्रोक्सिमिटी डिवाइस है, ये आगे में अगर आपका 1 से 7 मीटर के रेंज में कोई है तो आपको सेंस करके आवाज देगा, जैसे एक सामने नहीं दिखता है, थोड़ा दूर में दिखता है, तो क्योंकि इतना बड़ा डंपर है, हॉल पैक इसको बोलते हैं, 100 टन है। तो अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अंदर जाके चैनल में बहुत सारा मैं वीडियो डाला हूँ, आप देख सकते हैं जाके, आपको बहुत ही इजीली हेल्प होगा। और बहुत सारा मशीनों का वीडियो मैं चढ़ाया हूँ, अपलोड किया हूँ, और हाँ अभी बहुत सारा मशीनों का वीडियो बनाने वाला हूँ मैं, आपको डालूंगा, जिससे आप इजीली ड्राइव या ऑपरेटरी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। और जो भी आपके मन में सवाल है आप कमेंट करके इजीली पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई दूंगा कि क्या है क्या नहीं। जिस मशीन के बारे में आपको जानकारी चाहिए जरूर आप एक बार कमेंट करें, और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, और बेल आइकन को दबा दें ताकि अगर कोई सा भी मैं वीडियो बना के भेजूं तो आप तक पहुंच सके। तो चलिए अभी 100 टन, उसके बाद ये देखिए बड़े बड़े डंपर हैं, इसके बारे में मैं आपको जल्द ही जानकारी दूंगा, 240 है, 280 है, सबके बारे में दूंगा, अभी 100 टन के बारे में दिया हूँ। तो चलिए, जय हिंद दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नया लेकर।